दोस्तों, आपने अक्सर ऐसे ट्रांसमिशन टावर्स या ऐसी ट्रांसमिशन लाइंस देखी ही होंगी। ये ट्रांसमिशन टावर्स या ऐसी ट्रांसमिशन लाइंस आपको बहुत ही आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी। जब भी आप कहीं किसी सबस्टेशन के पास जाते हो या पावर प्लांट से करीब जाते हो या ट्रैवलिंग करते हो ट्रेन या बस से, तो ऐसी ट्रांसमिशन टावर्स आप देखते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस तरीके से दिखने वाले ट्रांसमिशन टावर के बारे में। दोस्तों, ये ट्रांसमिशन टावर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं थ्री फेज सिस्टम में, मतलब कि उसमें तीन कंडक्टर्स होते हैं। अगर किसी ट्रांसमिशन टावर पे अगर आपको तीन कंडक्टर्स दिखाई दें तो वो कहलाएगा सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन टावर या ट्रांसमिशन लाइन। अगर आपको किसी ट्रांसमिशन टावर पे या ट्रांसमिशन लाइन में छह कंडक्टर्स दिखाई दें तो वो कहलाएगा डबल सर्किट ट्रांसमिशन टावर या ट्रांसमिशन लाइन। और जनरली और यूजुअली हमें सिंगल सर्किट और डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलती है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस को देखा होगा। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर्स का या फिर मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस का इंट्रोडक्शन क्यों किया गया पावर सिस्टम में, या इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, इसकी नीड क्या है, और मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर में एक्चुअली होता क्या क्या, ये किस मायने में अलग है सिंगल सर्किट और डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी थ्री फेज सिस्टम में ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, मतलब पर सर्किट तीन कंडक्टर्स होंगे, छह कंडक्टर्स मतलब दो सर्किट। अब सवाल ये आता है कि मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर या ट्रांसमिशन लाइन कहते किसे हैं। तो दोस्तों, मल्टी इस वर्ड का मीनिंग तो आपको पता ही है, दो या उससे ज़्यादा, बहुत सारे एक ही जैसे जो चीज़ें होती है उसे हम कहते हैं मल्टी, इन मल्टी नंबर्स। तो दोस्तों, उसी तरीके से किसी टावर पे अगर आपको बहुत सारे कंडक्टर्स दिखाई दे रहे हों, यूजुअली छः से ज़्यादा मतलब दो सर्किट से ज़्यादा सर्किट अगर एक ट्रांसमिशन लाइन में आपको दिखाई दे रहे हो, तो समझ लीजिएगा वो मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन है, वो मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर है, क्योंकि उसमें दो से ज़्यादा सर्किट्स है। जनरली आपको मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन्स में चार सर्किट्स देखने के लिए मिलेंगे, और मोस्टली चार सर्किट्स ही होते हैं मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस में। दोस्तों, मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को इंट्रोड्यूस करने का पर्पज़ ये है कि हम कम जगह में, कम स्पेस में, कम एरिया में ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जितनी स्पेस एक डबल सर्किट या सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन टावर को इरेक्ट करने के लिए लगती है, उतनी ही स्पेस या उतनी ही एरिया में आप मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर या ट्रांसमिशन लाइन इरेक्ट कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, सिंगल सर्किट, डबल सर्किट और मल्टी सर्किट, इन तीनों ट्रांसमिशन टावर में स्ट्रक्चर वाइज अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा हाइट का, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इसमें मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर में चार सर्किट्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट सिंगल सर्किट या डबल सर्किट ट्रांसमिशन टावर से ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, हाइट का डिफरेंस है और हाइट में एरिया नहीं आता है, कितने स्पेस या ऑक्यूपाई कर रहा है टावर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि राइट ऑफ वे जो है, मतलब कि जितनी भी जगह पर हमारी अथॉरिटी है ट्रांसमिशन लाइन को इंस्टॉल करने की, वो लिमिटेड होती है। एक बार अगर राइट ऑफ वे कंफर्म हो गया तो हम उसे बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया से गई हुई होती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से गई हुई होती है, तो ये सब चीज़ें भी जरूरी है। ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉलेशन की वजह से हमें इन्हें अफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना, सेंड करना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पावर की डिमांड्स, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो इंजीनियर्स लोगों ने कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला कि कम से कम राइट ऑफ वे में हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंड कर सकें, ट्रांसमिट कर सकें एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में। दोस्तों, यूजुअली मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हम
चार गुना ज़्यादा, फोर टाइम्स मोर पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन. यस माय फ्रेंड, क्योंकि इसमें चार सर्किट्स होते हैं जनरली. अगर कोई सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन 100 मेगावाट पावर ट्रांसमिट कर रही है तो मल्टी सर्किट कम से कम 400 मेगावाट पावर ट्रांसमिट जरूर करेगा. तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा एडवांटेज है मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर का. दोस्तों, मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर में 12 कंडक्टर्स आपको दिखाई देंगे, 3 कंडक्टर्स पर सर्किट. तो उसमें मिनिमम 4 सर्किट्स होते हैं, 4 × 3 = 12, तो 12 कंडक्टर्स उसमें होंगे. दोस्तों, मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर्स आजकल बहुत यूज होने लगे हैं, आने वाले वक्त में आपको दिखाई देंगे. अभी जो ट्रांसमिशन लाइन्स इंस्टॉल की जा रही है या इंस्टॉल की जाएगी, इन्हीं मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर्स का यूज करके. जी हाँ दोस्तों, मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन टावर्स हर वोल्टेज लेवल के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली वो हमें 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी में देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और ट्रांसमिशन टावर के इस टाइप के बारे में आपको आज बहुत कुछ पता चला होगा. तो दोस्तों, अगर आप जब कभी भी ट्रांसमिशन टावर देखोगे तो उसे गौर से जरूर देखोगे कि ये मल्टी सर्किट है या नहीं. तो दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में. अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज मिलते रहें हमेशा की तरह.